44वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का रंगारंग समापन शनिवार को लोगों को अगले साल तक इंतजार करने की उम्मीद देते हुए भव्य रूप से संपन्न हो गया। समारोह का समापन पद्मश्री रेमो फर्नांडिस की संगीतमयी प्रस्तुति के साथ हुई। समारोह के अंतिम दिन देश विदेश की कई फिल्मों को पुरस्कृत भी किया गया। ईस्ट तिमोर की फिल्म बियट्रिजेस वॉर को सर्वोत्तम फिल्म के गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से नवाजा गया। बिटी रेज और ल्यूगो एक्विस्टो के निर्देशन में बनी फिल्म बियट्रिजेस वॉर को पुरस्कार स्वरूप गोल्डन पीकॉक प्रमाण पत्र के अलावा 40,00,000 रूपए नकद दिए गए। मलेशिया की अभिनेत्री मिशेल योह, मशहूर अदाकारा आशा पारेख और सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने फिल्म के दल को पुरस्कृत किया। पूर्वी तिमोर और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से बनी इस फिल्म का निर्देशन ल्यूगो एक्विस्टो और बिटी रेइस ने किया है। फिल्म में एक महिला की अपनी प्रेमी और देश के प्रति समर्पण की शानदार कहानी को पेश किया गया है। कौशिक गांगुली को बंगला फिल्म अपूर पांचाली के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार मिला। उन्हें पुरस्कार के तहत सिल्वर पीकॉक और 15,00,000 रूपए की राशि प्रदान की गई। पॉलिश अदाकारा मैग्डलेना बोर्जास्का को इन हाइडिंग नामक फिल्म में अपने अद्भुत अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इजराइल के अभिनेता एलन मोनी एबोट बोल को प्लेस इन हेवन फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए दिया गया। उनकी गैर मौजूदगी में फिल्म के निर्देशक जोसेफ मैडमोनी और निर्माता लिशीरा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। तुर्की के ओनूर उनलू की फिल्म दाउ गिल्डिस्ट द इवन को विशेष जूरी पुरस्कार से नवाजा गया। कमलेश्वर मुखर्जी को उनकी फिल्म मेघा ढाका तारा के लिए विशेष शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि फिल्म वो सशक्त माध्यम है जिसके जरिए वास्तविक जिंदगी में सार्थक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। लिबर्टी और द प्राइस ऑफ लिबर्टी इज इटर्नल विजिलेंस। फिल्म्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन रियल लाइफ एज वेल एज रियल लाइफ। 10 दिनों तक चले इस फिल्म समारोह में पूरी दुनिया की शानदार चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। ये भव्य उत्सव सिने प्रेमियों के दिलों में कभी न भूल सकने वाली यादों को पीछे छोड़ गया, इस उम्मीद के साथ कि अगले साल का समारोह और भी मनोरंजक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।